मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रविवार को राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में रायपुर संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट मुलाकात के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। युवाओं ने नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण पर अपने विचार व्यक्त किया। इस दौरान धमतरी के युवा सोमेश्वर गंजीर ने ऋग्वेद के श्लोकों के साथ सपनों का छत्तीसगढ़ पर जोशीले तरीके से अपनी बात रखी। सोमेश्वर गंजीर के जोशीले भाषण को सुनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पास बुलाकर गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए मौके पर ही उनके विभिन्न मांगों पर की कई अहम घोषणाएं। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार सम्माननीय मंच, विश्व वंदनीय भारत माता के इकलौती राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महातारी, जेकर पावन कोरा में बसे यहाँ के जम्मो नर और नारी, दाई दीदी महतारी, मोर नान्हे नान्हे संगवारी, आप सबला जय जोहार। मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर, छत्तीसगढ़ की धर्म की राजधानी जिला धमतरी से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब कभी भी मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की चर्चा करता हूँ तो मुझे याद आती है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की, जहाँ कहते हैं, ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम, अराष्ट्रे राजन्यः शूर इश्वो अतिव्याधि महारथो जायताम, दोग्धिर्धेनु अटवडनाधम शक्ति पुरंध्या जिष्णु रथेष्ठा, सभेयो यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न पर्जन्तु वर्षतु फलवस्यो न योगक्षेमो न कल्पताम। अर्थात हमारा ज्ञान उत्तम हो, हमारे योद्धा समर्थ हो, हमारा युवा सभ्य हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारी ऋतुएं अनुकूल हो, हमारी वनस्पतियां विकसित हो, हम अपने अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करें और प्राप्त वैभव की रक्षा करते हुए सबका कल्याण निहित हो। अगर मान्यवर मेरा छत्तीसगढ़ ऐसे लक्ष्यों को परिलक्षित करता है तो मैं मानता हूं यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है। चलिए मिलकर आनंद उठाते हैं कर्मा ददरिया सुवा गेड़ी भौरा बाटी का, चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में जियो मुड़ी उठा के बोलो छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो बोलो छत्तीसगढ़ी गोट छत्तीसगढ़ी गोट। धन्यवाद, जय मां भारती, प्रणाम। कैसे लगे थे? अभी भाषण सुने मजा आई? पूरा प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गेरे में हर विधानसभा में वो समय मन में ख्याल आई कि हमार नौजवान संगवारी मन के सपना का है, कॉलेज के लिए पढ़िया लड़का मन के सपना का है, और ओकर स्थिति आज ये इंडोर स्टेडियम में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखें हमार छत्तीसगढ़ के भविष्य मन के साथ बैठ के छत्तीसगढ़ के उम्मीद छत्तीसगढ़ के भविष्य ये दोनों विषय में चर्चा करबो। और बहुत शानदार हमारे साथी मन नौजवान साथी मन बहुत बढ़िया विचार रखी, उकर बार एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। नमस्कार पहा बनो था काका, खुश हो? ए तरफ सामने तरफ। अच्छा सामने एती, चलो एती सर सामने इधर बोलो भाई। मैं पुलकित बाग श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के तरफ से आपके अभिनंदन कर रहा था। जी नमस्कार सर,
पहली तो मोर एक शिकायत है कि कार्यक्रम शुरू होए से पहली जो मंच संचालन करत रहीस वो सब डिपार्टमेंट के बारे में पूछीस, लेकिन लॉ विभाग के बारे में विधि विभाग के बारे में नहीं पूछीस। तो एक शिकायत है कि विधि विभाग जो भारत के संविधान और कानून के रक्षा करते ओला भी हम सबला सम्मान देना चाहिए। और दूसरा यह है कि हमन जो अधिवक्ता हैं, मैं विधि के छात्र हूं तो विधि से ही जुड़े एक सवाल है, मतलब सुझाव है कि जो जूनियर अधिवक्ता होते वो अपन लाइफ में बहुत संघर्ष करते, तो ओखर पर कुछ स्टाइपेंड के व्यवस्था आप मन के तरफ से होना चाहिए। और दूसरा ये है कि रोजगार के सवाल है, सरकारी रोजगार जो है सबला नहीं मिल सके, लेकिन अपन जो युवा साथी है वो मनला स्वरोजगार के लिए कुछ योजना अपन सरकार के तरफ से वो मनला ब्याज कम ब्याज या बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा सकते हैं, का ऐसा एक योजना कर सकते हैं। ठीक है, वो लिख के दे देवे दे।